तो यहाँ पर ये कि हमारे पास 5 टन का डक्टेबल एसी है, जो कि यहाँ पर मैं आपको मॉडल नंबर दिखाऊँ तो यहाँ पर 60 है ना, 60,000 BTU है ये। तो इसमें R22 गैस 4575 ग्राम इसमें गैस जाएगा 4.5 किलो के अराउंड में। तो इसमें कूलिंग नहीं कर रहा है एक्चुअली। मैं एसी बंद किया हूँ अभी, थोड़ा पहले आया था तो सक्शन लाइन पे थोड़ा सा यहाँ पे आइस जमा हुआ था सक्शन लाइन पे। ये मोटा वाला पाइप सक्शन लाइन है और ये पतला वाला डिस्चार्ज लाइन है, लिक्विड लाइन। तो इस पर थोड़ा सा आइस आया हुआ था, मैं एसी बंद करके आया हूँ और मैं बोला हूँ 5 मिनट के बाद स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें हम गेज लगाते हैं, पहले देखते हैं कि यानी कि आइस आ रहा था इसका मतलब कंप्रेसर चल रहा है। अब इसमें हम फ्रियोन का लेवल हम चेक करेंगे कि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना है, तब इसमें हो सकता है इसमें मुझे क्योंकि शक है कि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम है, तो इसमें हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए वही प्रोसेस आपको अपनाना है सक्शन लाइन का, ये आपको डेड नट खोलना है, ठीक है ना, ध्यान से समझ लीजिए। चाहे डिस्चार्ज लाइन, चाहे वो छोटा एसी हो बड़ा एसी हो, सारे सिस्टम एचवीएसी हो, कोई भी सिस्टम वीआरबी हो, सारे सिस्टम एक जैसे ही काम करते हैं। अगर एक सिस्टम समझ में आ गया आपको तो सारे सिस्टम समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम हाई प्रेशर गेज का यूज करेंगे, ये वाला ख़राब है तो ये वाला हम यूज करेंगे। तो इसके ठीक नीचे वाला लाइन हम लगाएंगे सक्शन लाइन में और इसका प्रेशर देखेंगे कि कितना प्रेशर है इसमें। यहाँ पर स्टैंडिंग प्रेशर जब सिस्टम रुका हुआ है तो यहाँ पर अब जो प्रेशर शो हो रहा है वो स्टैंडिंग प्रेशर है, ये स्टैंडिंग प्रेशर है। अभी जब सिस्टम स्टार्ट होगा, सिस्टम स्टार्ट होने के बाद जो प्रेशर शो होगा वो हमारा सक्शन प्रेशर कहलाएगा। तो अभी सिस्टम बंद है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से लीकेज है इसमें सिस्टम में। तो ऑयलिंग चेक कर लेते हैं। लीकेज को चेक करने से पहले अगर ऑयलिंग चेक कर लें कि ऑयल कहाँ से आया हुआ है, से आपको लीकेज आसानी से पता चल जाता है। तो ऑयल कहीं तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे आउटडोर सिस्टम में, ऑयल नहीं दिख रहा है कहीं पे यहाँ पे, लेकिन लीकेज है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा गैस कम हुआ, अभी 50 का प्रेशर है स्टैंडिंग। गैस अगर हम चार्ज कर देते हैं तो फिर से गैस निकल जाएगा पूरा। उससे पहले हम लीकेज चेक करेंगे कि लीकेज कहाँ से है। तो लीकेज को फाइंड कर लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन 5 मिनट में स्टार्ट करने के लिए बोल दिया हूँ, 5 मिनट में स्टार्ट कर देगी एसी लड़की। और जब इसमें क्या होता है कि कंप्रेसर चलता है और जो ही ये लो प्रेशर पे आता है ना, तो इसमें ओएलपी लगा हुआ है, लो प्रेशर से उसे कट कर देता है। तो फाइंड हम कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको। गैस चार्ज करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाता हूँ इसमें। तो प्रेशर बढ़ाने के लिए बीच वाला लाइन हम कॉमन होता है, बीच वाले लाइन को यहाँ कनेक्ट करेंगे। यहाँ से हम वाल को खोलेंगे, थोड़ा सा यहाँ से हम पर्च करेंगे। तो ये एसी स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं अभी चल रहा है। और सक्शन प्रेशर अगर देखें तो ये देखिए नीचे जा रहा है इसमें ना। अभी तक मैं गैस खोल के रखा था तो अभी ये 50 का प्रेशर दिखा रहा है और सक्शन थोड़ा थोड़ा ठंडा आने लगा है और डिस्चार्ज भी थोड़ा गर्म है, क्योंकि अभी तक मैं गैस को खोल के रखा था। देखिए गैस को खोल के रखा था, गैस जा रहा था इसमें। अभी फिर से खोल लेते हैं गैस को और सिलेंडर को उल्टा कर देते हैं, इसमें 60 का प्रेशर कर देते हैं। ये देखिए प्रेशर अभी 40 का प्रेशर है, प्रेशर इसमें पूरा कर देते हैं। सक्शन भी थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा है क्योंकि प्रेशर बहुत नीचे इसका चला गया था।